हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सभी के लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर इस वक्त, ठीक है? तो उनके दिल में जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको मिस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जानते हैं आज की रीडिंग में, ठीक है? तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कह दूं मैं, हमेशा की तरह रीडिंग जनरल है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो रीडिंग टाइमलेस है, जब आपका मन करे आप देख लीजिए। चलिए अब जल्दी से देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और रीडिंग के एंड में मैं आपके लिए एडवाइस भी लूंगी हमेशा की तरह। ये बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं तो शफल करते हैं फिर से। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, स्पेशली उनके दिल में चल क्या रहा है, मन से सोच क्या रहे हैं, दिल से सोच क्या रहे हैं आपके लिए, सोच भी रहे हैं या नहीं, जो भी आता है गाइस रीडिंग में बताती हूँ मैं आपको। सेक्सुअल फ्रीडम पहला कार्ड, ओके। ओके, मैच्योरिटी, सिल्वर वाटरफॉल, द गार्डन, The started feminine, okay. And worthiness. कितना कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, बहुत कुछ सोच रहे हैं। लाइफ पर्पस बॉटम द डेक से कार्ड है। एक तरीके से आपके लिए सोचते हैं कि आपके डिसीजन ठीक नहीं होते, आप बहुत मिजरेबल हैं, आप बहुत मेच्योर नहीं हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी आपके लिए ये भी सोचते हैं कि आप कितने वर्थी हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने मासूम हैं, कितने अच्छे हैं, ठीक है? एक डिवाइन पर्सन की तरह सोचते हैं आपको कभी कभी, ऐसा भी सोचते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अकेले भी खुश हो या हो सकते हो, ठीक है? कभी कभी आपको डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरह सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम मुझे लगता है डेफिनेटली ये बताने वाला है आपके पार्टनर को, या फिर बता रहा है कि आप यूनिक हैं, स्पेशल हैं, आप अपनी लाइफ खुद से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कितना ब्यूटीफुल गार्डन है और आप यहाँ पर बैठे रेस्ट कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं नेचर को, ग्रीनरी को, माउंटेन्स को, तो डेफिनेटली आप तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर को पूरी तरीके से अवेयरनेस नहीं है इस बात की, तो मुझे लगता है टाइम बताएगा। टाइम टेल्स एवरीथिंग। वर्थीनेस का मतलब है डेफिनेटली ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको काफ़ी अच्छा मानते हैं, ठीक है? आपको एडमायर भी करते हैं। इस पर्सन को आपको लेकर सेक्सुअल अट्रैक्शन है। यहाँ पर मैं टू बर्ड्स देख रही हूँ, टू बटरफ्लाइज, तो मुझे ये डिवाइन कनेक्शन भी फील हो रहा है। जब भी ये आपको लेकर फील करते हैं, आपको अपने आसपास महसूस करते हैं, तो इनको एक यूनिक फीलिंग आती है, बहुत स्पेशल फीलिंग आती है, जैसे किसी के साथ नहीं आती। किस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को हग किया हुआ है, पास हैं एक दूसरे के, और ये बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो आप उन्हें लगते हैं वन एंड ओनली, दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट। इस तरह की फीलिंग है इस पर्सन के मन में आपको लेकर। ये कनेक्शन आप दोनों को ही मैच्योर कर रहा है स्पिरिचुअल लेवल पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को एंजल गाइड कर रहे हैं। एंजल के पास बहुत बेटर प्लान है आप दोनों के लिए, आपको कैसे मिलाना है, कब आपको सेपरेट करना है, एंजल कर रहे हैं ये सब कुछ। एंजल की विल पावर के अंडर हो रहा है ये सब कुछ, तो आपको एंजल पर ही ट्रस्ट करना है। अबंडेंस आपको मिलेगी, ये अबंडेंस आपको मिलेगी। अगेन मैं यहाँ पर टू बर्ड्स देख रही हूँ, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है आपका।
सोल कनेक्ट है आप दोनों की। आपके पर्सन आपको एक एक टाइम पर बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत मैच्योर मानते हैं, कभी कभी आपको लेकर सोचते हैं कि नहीं ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी कहते हैं ना पुराने ख्यालात, पुरानी सोच, लाइफ में कुछ करना नहीं है, कुछ पैशन नहीं है, इस तरीके से सोचते हैं कभी कभी आपके बारे में। लेकिन कभी कभी आपको बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है, आप बहुत स्पेशल हैं, यूनिक हैं, डिफरेंट हैं बाकी लोगों से। आप दोनों का साथ में कोई लाइफ पर्पस है गाइस, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं आप मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा है यहाँ पर। और आप हैं, अगर कंटिन्यू उनके लिए प्रेयर करोगे, इस कनेक्शन के लिए मैनिफेस्ट करोगे, तो हो सकता है ये अपने डार्क फेस से बाहर आ जाए और रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि अगेन यहाँ पर मैं टू बर्ड्स देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आपका डिवाइन कनेक्शन है, मुझे यहाँ पर सोलमेट की वाइब आ रही है। आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट है और ये कन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आपके मैनिफेस्टेशन करने के लिए, जो वीडियो को देख रहे हैं, मैनिफेस्ट करोगे तो ये कन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है। एक दूसरे से प्यार करो गाइज, अगर अभी मिले भी नहीं हो तो, या फिर अगर सेपरेशन में हो तो भी अच्छा ही सोचो, पॉजिटिव रहो, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स मांगो गॉड से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप दोनों का लाइफ पर्पस है एक साथ, आपको कुछ मिलकर, दोनों को मिलकर एक काम करना है, तो आप दोनों मिलेंगे आपस में, वापस से आप मिलेंगे अगर बात नहीं हो रही है तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए अभी टैरोट से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। लेट्स फाइंड चलिए स्टार्ट करते हैं। टेन ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, वी हैव टेन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, सिक्स ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एरीज लियो सैज, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एंड एट ऑफ सोल्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट का कार्ड भी है, कुछ के लिए जजमेंट हो सकता है बहुत जल्द, कुछ ना कुछ गॉड जजमेंट देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि आपके, आप दोनों के ही साथ एंजल्स हैं जो कि आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए खुद ही वो प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ घर की समस्याएं हैं अभी, कुछ ना कुछ घर का कुछ टेंशन है, कुछ चीज़ें घर में अभी आउट ऑफ कंट्रोल है इस पार्टनर के, इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। घर की प्रॉब्लम, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है इस टाइम इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि घर में, इनके घर में इनकी मम्मी या इनके घर में इनका कोई बड़ा, कोई बड़ी लेडी से इनको बहुत अटैचमेंट है, तो ये उनके बारे में पहले सोचते हैं, ठीक है, ऐसा मैं कुछ यहाँ पर देख रही हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली रोल प्ले कर रही है, कुछ फैमिली इशू की वजह से ना ये पर्सन शायद आपके पास आ नहीं रहे हैं, कुछ फैमिली का इशू है यहाँ पर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली इशू मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
हो सकता है कि इनके घर वाले इनके लिए कहीं रिश्ता वगैरह भी देख रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ रिश्ते की बात हो रही है इनके घर में, और ये खुश भी नहीं है देखो, और कहीं ना कहीं ये एक्शन नहीं ले पा रहे, ये काफ़ी स्टक है ये पर्सन। 8 ऑफ सोर्ड्स विद अ 10 ऑफ वैंड्स, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली गॉड डिले है, ठीक है, गॉड ने यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर अभी डिले रखा हुआ है, तो डोंट वरी, इनका रिश्ता तय नहीं होगा, ठीक है, या अगर हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल होगा, ऐसी वाइब में गेट कर रही हूँ, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है अभी, इनको हाँ करना है ना करना है, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। फैमिली इशू देख रही हूँ मैं यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ना बर्डन फील कर रहे हैं परिवार वालों का अपने ऊपर। 6 ऑफ वैंड्स का मतलब है, हो सकता है कि आगे चलकर इस पर्सन को क्लैरिटी मिल जाए, ये एक डिसीजन ले पाए, हो सकता है कि आगे चलकर ये आपके पास आए, आपको कुछ बोलें, सॉरी बोलें, या कुछ ऑफर करें, ठीक है। फिलहाल मैं अभी कुछ और कार्ड्स निकालूंगी इनके नेक्स्ट एक्शन को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मिक्स फीलिंग्स आई हैं आपके पार्टनर की, क्योंकि इनको घर वालों की भी पड़ी है, इनको आपकी भी पड़ी है, तो ये करेंगे क्या, ये अभी चेक करते हैं साइकिक टैरोट से, यहाँ से चेक करते हैं। क्योंकि इस पर्सन को, ये पर्सन अभी सच में ही स्टक हैं, अभी आपके लिए भी क्लियर नहीं कर रहे हैं चीजों को अपने अपने मन में, ठीक है, और पेरेंट्स के डिसीजन से भी ये पर्सन खुश नहीं है। एक दो कार्ड आ गए, सैक्रिफाइस एंड होप, ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, शैडो, हार्मनी, ओके ओके गाइस, बॉटम तो डेक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन, या तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी विद द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये पर्सन सोच नहीं पा रहे हैं, देखो थोड़ा सा सैक्रिफाइस, यानी कि डिले तो है, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, अभी जो भी सिचुएशन है इसको गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गॉड कह रहे हैं होप है, ठीक है, इस कनेक्शन में होप है। अभी थोड़े हालात थोड़े बुरे हैं, हो सकता है आगे भी कुछ टाइम के लिए हालात थोड़े से डिफिकल्ट ही होंगे आपके लिए, लेकिन आप लोगों की जो विशेज है ना वो पूरी हो जाएगी, जो भी आपके पार्टनर की विश है, जो भी आपकी, और मेरे ख्याल से आप दोनों को हार्मनी में आना है, इस कनेक्शन में आना है, तो मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक एक दूसरे की शेडो हो, एक दूसरे में खुद को देखते हो, इसीलिए ये कनेक्शन में आपको बताया ना कि मुझे सोलमेट की वाइब आ रही है। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके पार्टनर में, चेंज आएगा, आपकी जो भी विशेज हैं ये भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं बताऊं तो आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ चल रहा है, ये दिल में अपने बहुत कुछ लेकर बैठे हुए हैं, और अभी बहुत कंफ्यूजन में हैं। कभी इनको लगता है घर वालों की बात मान ले, लेकिन घर वालों के फैसले से ये पर्सन भी खुश नहीं है, ठीक है। तो होप है गाइज, अपनी होप बनाए रखो, मिरेकल कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, जीवन में बदलाव कभी भी आ जाएगा, हर दिन कोई चीज़ अभी पत्थर पर नहीं लिखी है, हर दिन एक नया दिन है, नई ब्लेसिंग है। तो अगर आप इनको अपना सोलमेट मानते हो, आप इनका इंतज़ार कर सकते हो, तो आप करिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा हो गया, आप बर्दाश्त के बाहर हैं, तो फिर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अभी कोई क्लैरिटी नहीं देने वाले हैं, और यहाँ पर डिले भी है।
तो अगर आप कर सकते हैं इनका वेट तो कीजिए, अदरवाइज अपना डिसीजन लें और आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो गाइज ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।